2 microfarad capacitor is charged as shown in figure through 1 and 3. The percentage of its stored energy is dissipated after the switch S is turned to the position number 2. हमारे पास एक दो माइक्रोफेलेट कैपेसिटर है इसको हम चार्ज कर रहे हैं भाई साहब ये बैटरी लगी हुई है बैटरी से ये भाई साहब चार्ज हो रहे हैं करेक्ट जब ये चार्ज हो गए उसके बाद हमने क्या किया ये वन थ्री को डिसकनेक्ट कर दिया एंड वन टू को कनेक्ट कर दिया ओके okay? परसेंटेज ऑफ इट्स एनर्जी टू माइक्रोफेरिट कैपेसिटर की परसेंटेज ऑफ इट्स एनर्जी डिसिपेटेड आफ्टर द स्विच आफ्टर द स्विच एस इज टर्न टू द पोजिशन टू मीन्स वन और टू को हमने कनेक्ट कर दिया क्या होगा जीरो परसेंट एटी परसेंट सिक्सटी परसेंट ट्वेंटी परसेंट Once again, I repeat the statement: Two microfarad capacitor is charged as shown in figure. The percentage of its energy dissipated after the switch S is turned to the position two is zero percent, eighty percent. 60 percent, 20 percent. This is a question. Now, what you are going to do is you are going to pause it and try. Okay. After that, you play and match your solution with me. So, pause it. के बाद अब हम शुरू करते हैं सोल्यूशन स्टूडेंट्स आपने इसको ट्राई कर लिया अब हम इसको डिस्कस करते हैं देखिए ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में अगर तो हम एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर की बात करें दैट इज हाफ सीवी स्क्वायर क्यू स्क्र बाय टू सी और अगर हम फ्रैक्शनल एनर्जी लॉस की बात करें तो टोटल डेल्टा यू अपॉन इनिशियल एनर्जी इंटू हंड्रेड दैट इज द फ्रैक्शनल एनर्जी हम आपको एक टेक्निक देते हैं एक शॉर्ट टेक्निक देते हैं व्हाट इज दैट डेल्टा यू अपॉन यू आई इंटू हंड्रेड ये परसेंटेज अब ये क्या आएगा सी टू ये वाला दिस इज सी वन एंड दिस इज सी टू C2 टू अपॉन सी C2 प्लस सी तो ये क्या है What इज दिस ये है परसेंटेज ऑफ एनर्जी लॉस्ट अब हम इसमें वैल्यूज डालते हैं बस C two is eight, C one is two, C two is eight into hundred. So This is eight plus two ten. So eight upon ten into hundred. The so eighty. So eighty per cent is the energy lost. सो दिस इज दंसर ये एक शॉर्टकट टेक्निक है क्या डेल्टा यू अपॉन यू आई दैट इज द एनर्जी इनिशियल इंटू हंड्रेड सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स जे मेन 2019 आईआईटी 2011 11 और 19 के बाद ये क्वेश्चन 2016 नीट में आया अब आप यहां से एक आइडिया लगा सकते हो कि जे मेन नीट में काफ़ी क्वेश्चंस ऑसिलेट करते हैं अब मैं आपको इस तरह के कुछ क्वेश्चंस और भी करवाता हूं राइट right? ये तो समझ आ गया आपको ये फॉर्मूला आपने लर्न करना है डेल्टा यू अपॉन यू आई इंटू हंड्रेड सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू इंटू हंड्रेड वेल well, स्टूडेंट्स अगर आपको इस तरह के और क्वेश्चन चाहिए तो यू कैन व्हाट्सएप मी नाइन एट वन फोर वन टू वन नाइन नाइन सिक्स आई विल सेंड यू पी डी एफ राइट और ये वी एस स्कूल ऑफ साइंस ऐप में भी अवेलेबल होगा एक और करते हैं क्वेश्चन हाई स्टूडेंट्स फ्टर द फर्स्ट क्वेश्चन अभी एक सेकेंड क्वेश्चन है ट्वेंटी सेवन ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज एट टू ट्वेंटी वोल्ट ईच दे कंबाइंड टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप 27 सेवन ड्रॉप्स हैं हमारे पास एक जैसे साइज की उनको हमने 220 ट्वेंटी वोल्ट पर चार्ज किया और वो कंबाइन करके एक बड़ी ड्रॉप बना दी गई तो कैलकुलेट दी पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप स्टूडेंट्स क्वेश्चन जे मेन टू जीरो टू वन नीट भी टू जीरो टू वन आया है देखिए कुछ लोग आ, सोचते हैं कि जे मेन की प्रेपरेशन एंड नीट की प्रेपरेशन सेपरेट है ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से प्रूव कर रहा है कि नहीं है लेवल मिलता जुलता है कभी कोई कुछ मैथ्स के टिपिकल फंडाज वाले जेई मेन में आते हैं मानता हूं अब आंसर क्या है 1900 वोल्ट 1980 वोल्ट 2200 वोल्ट 1200 वोल्ट अब आप मैं हटता हूं परे इसको करो पॉज स्ट्राइक करो फिर मैं सॉल्यूशन देता हूँ यू लव इट द वे वी आर वर्किंग आपने ट्राई कर लिया ये क्वेश्चन यू हैव ट्राइड दिस क्वेश्चन नाउ स्टूडेंट्स आई एम गोइंग टू सॉल्व इट आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ है सारा मैं आपको थ्योरी से एक रिजल्ट लिखता हूँ जो आपने यूज करना है पोटेंशियल ऑफ विगर ड्रॉप इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉप जो सिमिलर है इन टू एन एन क्या है टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स टू रेज़ पावर टू बाय थ्री अब हमारे पास पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप निकालना है तो पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप स्मॉलर कितना है टू ट्वेंटी ड्रॉप्स कितनी है ट्वेंटी सेवन टू डेज पावर टू बाय थ्री पोटेंशियल ऑफ़ बिगर ड्रॉप टू ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन अब देखिए स्टूडेंट्स थ्री इन थ्री इंटू थ्री टू बाय थ्री अब यहाँ क्या होता है हम लोग जब एग्ज़ाम में होते हैं तो थोड़ा इसको मतलब वर्कआउट करना टफ़ लगना शुरू हो जाता है और ये प्रैक्टिस से कुछ भी नहीं है तो ये बन गया टू ट्वेंटी थ्री टू पार वन 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 दैट इज़ थ्री टू पार थ्री टू रिज पावर टू बाय थ्री दिस गेट्स कैंसल्ड तो दिस इज टू ट्वेंटी 3 to power square 220 into 9 so 90 8 1980 volt to bus b is the right answer ab ye similarly v a school of physics Uh, sorry, not school of physics. VS school of science में भी मिलेगा आपको और इसके बहुत सारे similar questions की practice you can get it in the PDF form, right? How's it? Amazing? Note it down. अरे मैं पर्यार जाता हूँ। ये technique learn कर लो आप। एक मैं आपको बात कहना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप ये शॉर्टकट्स तैयार कर लो और आपका सिलेक्शन हो गया दिस इज वन ऑफ दी टू सेव टाइम तो जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हो तो आप खुद शॉर्टकट्स डेवलप करना शुरू कर लेते हो yes. ये कोई रॉकेट साइज नहीं है आप खुद भी बनाते हो बना सकते हो राइट right? हां मैंने एक कोशिश की है आपको प्रवोक करने की यस आप भी बनाओ बट क्या 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 गारंटी है कि ये क्वेश्चन आएगा और ये शॉर्टकट लगेगा शॉर्टकट से ब्रेन शार्प होता है और कुछ नहीं वेल स्टूडेंट्स देर इज वन क्वेश्चन In the given circuit, a charge of plus 80 microcoulomb is given to the upper plate of four microfarad capacitor. Four microfarad capacitor, plus 80 microcoulomb charge is given. Then, in the steady state, the charge on the upper plate of the three microfarad capacitor is plus टी एट माइक्रोकुलम प्लस थर्टी टू माइक्रोकुलम प्लस फोर्टी माइक्रोकुलम प्लस थर्टी एट माइक्रोकुलम सर्किट इज ये अर्थ किया हुआ है ये कैपेसिटर नहीं है इट इज अर्थ स्टूडेंट्स स्टेटमेंट आपके सामने है और ये क्वेश्चन आई 2012 में आया है अब मैं पॉज करता हूँ और आप इसको सॉल्व करो उसके बाद मुझसे मैच करवाना सो so, स्टूडेंट्स आपने ये ट्राई कर लिया होगा अब मैं आपको एक टेक्निक देता हूं पहले तो हम इसको C1 बोलते हैं इसको C2 बोलते हैं ये टू माइक्रोफेरेड वाला जो कैपेसिटर है इज C1 एंड ये C2। करेक्ट नाउ हमने निकालना है चार्ज किसके ऊपर हमने निकालना है चार्ज ऑन C2, टू ओके वी हैव टू फाइंड द चार्ज ऑन C2. टू लेट इट बी चार्ज क्यू टू टू स्टैंड फॉर सी वाला तो इसका शॉर्टकट टेक्निक क्या है Q2 टू इज इक्वल टू सी टू इंटू क्यू अपॉन सी वन प्लस सी टू अब बोलोगे सर ये कैसे है ये भी हो जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में प्रैक्टिस करते करते हमें कुछ चीजें सीख जाते हैं याद करते हैं हम तो सी टू क्या है कैपेसिटी कितनी थ्री Q क्या है टोटल चार्ज एटी सी वन कितना है टू सी कितना है थ्री तो दिस इज थ्री इंटू एटी अपॉन फाइव सिक्सटीन तो आंसर आया फोर्टी एट माइक्रोकोलम तो आंसर इज ए अब आप बहुत ध्यान से देखो ये मैंने सॉल्व कर दिया कितनी टाइम लगा है लेस देन आई मीन एग्जाम में तो शॉट जस्ट इन सेकंड्स यू सॉल्व दिस देखो बॉस ऐसा है ना ये C1 एंड सी तो पैरेलल में है जब C1 सी पैरेलल में है तो Q2 टू है? चार्ज ऑन थ्री माइक्रोफुल आई मीन I mean, uh, माइक्रोफेरेट क्यू के आई टोटल चार्ज है Q टोटल चार्ज तो ये आपके सामने रिजल्ट बन के आ गया शॉर्टकट टेक्निक क्या आया दैट इज Q2 टू इक्वल टू सी टू क्यू अपॉन सी वन प्लस सी टू सो डियर स्टूडेंट्स इट इज अ प्रैक्टिस ऑफ थ्री क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रोस्टेटिक्स जिसमें कुछ टेक्निक्स कुछ शॉर्टकट्स आपको मैंने दिए होप यू रियलिस्ट डिट पहले स्टेटमेंट को देखा पॉज किया फिर ट्राई किया आपकी टर्न फिर मेरी टर्न देन आंसर ये प्रैक्टिस कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस की मैं आपको दे रहा हूँ हम एक लाइव टीचिंग देते हैं हमारा ऐप है वीएस स्कूल ऑफ साइंस एंड नाइन एट वन फोर वन टू वन नाइन नाइन सिक्स पे आप हमें व्हाट्सएप करेंगे तो आपको पूरा इसका लिंक मिल जाएगा मल्टीपल चॉइस के लिए हमारी ऐप है टॉप रैंकर डॉट कॉम ये गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है अगर आप डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट टॉप रैंकर पे जाएंगे तो आपको डायरेक्ट इसका एक्सेस मिल जाएगा वहाँ लॉग इन रजिस्टर कीजिए एंड पूरे साल की प्रैक्टिस ले सकते हो थैंक यू हैप्पी लर्निंग फिजिक्स कुछ करंट के करवाऊँगा फिर मैं राइट थैंक यू